कोरिया के पंडोपारा क्षेत्र के किराना दुकान में चोरी के बाद आग लगाए जाने से दुकान का सामान जलकर खाक हो गया। पंडोपारा चौकी पुलिस ने दमकल वाहन को बुलाकर आग पर काबू पाया। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। व्यापारियों ने पंडोपारा पुलिस सहायता केंद्र पहुंचकर नाराजगी जाहिर की। वहीं क्षेत्र के विधायक अंबिका सिंहदेव भी मौके पर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी ली। डीएसपी और थाना प्रभारी ने घटना में शामिल लोगों को जल्द पकड़ने जाने का आश्वासन भी दिया है। चोरी की घटनाएं हैं, नशाखोरी की वजह से ही ये घटनाएं ज्यादा होती हैं। जब उनके घर से पैसा नहीं मिलता है ये चोरी को अंजाम देते हैं, और ऐसा पूरे संभावना बनते हैं। और पुलिस प्रशासन को इसके बारे में कितने शिकायत दे चुके गए लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो कुछ भी नहीं बचा, एक रुपए का सामान नहीं बचा, और आए दिन यहाँ चोरी की वारदात होती रहती है। प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। आज तक कोई चोर पकड़े नहीं गए। कालरी का सामान हो, दुकानदार का हो, घर का हो, सामान बार बार ये घटना को लोग अंजाम देके निकल जा रहे हैं। प्रशासन इसमें लगाम नहीं लगा पा रही, इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे। प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, और इस तरह की घटना चाहे आप एसीसीएल में देख लीजिए, एसीसीएल में भी इस तरह की घटना घटती रहती है। चोरों का हौसला बुलंद है, और हमारे तरफ से प्रशासन से यह मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द पकड़ के और इस पे त्वरित कार्रवाई करें, ताकि इस तरह से भविष्य में किसी के साथ घटना न घटे। इस पर थाना पटना में आगजनी की रिपोर्ट कायम कर जांच कार्रवाई में लिया गया है। जांच पर जो भी इसमें दोषी व्यक्ति होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।